नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की ओर। अलवर में जिला पुलिस कप्तान तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे चरण में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में सभी पुलिस अधिकारियों का जाब्ता मौजूद रहा। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने का संदेश दिया। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार पहले बेवजह बाजारों में घूमने वालों की गाड़ियां जब्त की जाती थी, लेकिन अब दोपहर 12 बजे के बाद जो भी बेमतलब घूमता मिलेगा उसकी कोरोना जांच की जाएगी और संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी, अगर किसी को कोरोना वायरस संबंधित जानकारी लेनी है तो इसके लिए अलवर पुलिस द्वारा एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों से आप ऑनलाइन सवाल कर उनका जवाब पूछ सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, यानी कि जो जन अनुशासन पखवाड़ा का जो सेकंड पार्ट है वो आज से स्टार्ट है। आज से लेकर 17 मई तक इसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा। उसी की नई गाइडलाइंस जो भी आई हैं उसके मुताबिक आज ये फ्लैग मार्च निकाला है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरूक किया है। 12 बजे बाद ही अगर कोई भी अनावश्यक मूवमेंट करता हुआ पाया जाता है तो पहले हम उसकी गाड़ियां सीज कर रहे थे, अब हम उसका RT-PCR टेस्ट करा के उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे। ये इन गाइडलाइंस में नई बात आई है और वही अपील जो हम लोग निरंतर जारी रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आप सबसे कह रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, ये वाली जो वेव है कोरोना वायरस की ये बहुत तेजी से संक्रमित कर रही है। अलवर शहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर विधायक संजय शर्मा कलेक्टर चैम्बर में अपने साथियों के साथ धरना दे रहे हैं। इस धरने को लेकर जिला कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया, पर विधायक संजय शर्मा का कहना है कि जब तक शहर भर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती तब तक वे अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें, पिछले 3-4 दिन से अलवर में लगातार सरकारी चिकित्सालय सहित अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। साथ ही कोरोना की जांच कराने आए लोग भी वहां दर दर भटक रहे हैं। इसको लेकर लगातार जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को सूचित किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 3-4 दिन से लगातार ऑक्सीजन का अभाव है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकार के द्वारा संचालित लॉर्ड्स अस्पताल हो, और हमारे जितने भी निजी चिकित्सालय हैं उनमें ऑक्सीजन का अभाव है। मैं लगातार जिला कलेक्टर महोदय को, ADM फर्स्ट को, हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं उनको बार बार मैं टेलीफोनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी मैंने आपको आग्रह किया और बार बार ये आश्वासन मिलता रहा कि हम ऑक्सीजन सुधार कर रहे हैं, ऑक्सीजन सुधार कर रहे हैं। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि भरतपुर जिला जो हमसे कहीं छोटा है वहाँ 31% से भी अधिक गैस दी जा रही है, अलवर ज़िले को मात्र 21% गैस दी जा रही है, जबकि अलवर शहर मुख्यालय पर अलवर शहर सहित अलवर ज़िले के अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे हमारे कस्बे क्षेत्र हैं, वहाँ के मरीज भी यहाँ एडमिट हैं, उसके साथ साथ अन्य राज्यों के मरीज भी यहाँ इलाज प्राप्त कर रहे हैं। तो गैस ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से आज सरकारी अस्पताल में और निजी अस्पतालों में मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया गया है, और बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि डॉक्टरों ने निजी चिकित्सालयों में ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास गैस का अभाव है तो आप अपने मरीजों को लेके निकल जाएं। उस बात को लेकर मैं अभी कलेक्टर साहब के पास आया था, ये पिछले 3 बार की तरह बार बार वही आश्वासन कि गैस की पूर्ति पूरी हो रही है। तो मैंने इनको ये कहा है कि जब तक आप अलवर शहर के अंदर पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन गैस की सप्लाई नहीं दे देंगे, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, हमारे अलवर शहर में जो मरीज रोगी है, चाहे वो किसी भी ज़िले का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी राज्य का हो, जो यहाँ इलाज प्राप्त कर, चाहे अलवर शहर का हो, जो यहाँ इलाज प्राप्त कर रहा है उसको पूर्ण रूप से दवाई मिले। आमेट उपखंड के झोर ग्राम पंचायत में खेत के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर राख हो गया। पास ही खेत में काम कर रहे नारायण लाल खोकर ने बताया कि ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाइनमैन को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी व पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के नेतृत्व में पुलिस द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों से समझाइश की गई व बेवजह बाहर नहीं घूमने को कहा गया। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार बेवजह बाजारों में घूमने पर उनकी कोरोना जांच की जाएगी व संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। फ्लैग मार्च के दौरान जगह जगह पर स्थानीय नागरिकों के द्वारा पुष्प वर्षा कर पुलिस प्रशासन की सराहनीय सेवाओं का धन्यवाद व्यक्त किया गया।
वहीं 12 बजे बाद बिना किसी कारण सड़कों पर घूमते पाए गए 11 लोगों को आरटीपीसीआर सैंपल लेकर क्वारंटाइन सेंटर पर क्वारंटाइन किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में पुलिस ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के शुभारंभ में कस्बे के विभिन्न मार्गों में फ्लैग मार्च करते हुए बढ़ते कोरोना के संक्रमण से लोगों को आगाह किया। लालसोट थाना सीआई राजवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि कोरोना की नई गाइडलाइन के तहत शादी समारोह में 31 लोगों से अधिक लोग मिलने पर 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए का जुर्माना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया उच्च अधिकारियों के अनुसार यह संक्रमण हवा में फैल चुका है, इसलिए अपने घरों में ही निवास कर प्रशासन का सहयोग करें। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान बिना मुंह पर मास्क लगाने वाले 125 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 18,000 रुपए का अर्थदंड किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।